सर हम उसे चालाकी कह सकते हैं ना कि मतलब जो वेरिएबल सबसे ज्यादा गिवन है इक्वेशन में, अगर हम उसको ओरिजिन मान के चले तो। तो वो जी कैसे है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जी ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। हाँ, अभी पढ़ा हुआ है। देख ले, बी एच प्लस बी एम प्लस सी बाई थ्री। हाँ आ रहा है, देखना जरा। ठीक है, अब जी ए स्क्वायर देखो। तो माइनस फिर वो सिक्स के और माइनस सिक्स माइनस के एन सिक्स आएगा के ना। एन होगा। हाँ सर, ये माइनस सिक्स के एन होगा ये। हाँ सर, हाँ ठीक सर, माइनस अंदर जाएगा ना। है, चलो ये निकालो। जी ए स्क्वायर, जी ए है, एच ए है, ठीक इज जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर। जी सी स्क्वायर देखना जरा बच्चों, ये तीनों सही लिखेंगे। देखो जरा, जी ए स्क्वायर जी स्क्वायर। यस सर। सर इफ दिस मेथड इज ऑल अबाउट टेकिंग, मतलब हमारा काम कन्वीनियंट करने के लिए, देन वी कुड हैव टेकन पी एंड टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ऑन द सेम लाइन, नो? हाँ जी, हाँ वी कुड हैव टेकन पी एंड फॉर एग्जांपल बी एंड सी ऑन द सेम लाइन, इफ इट्स ऑल, मतलब हमारा काम कन्वीनियंट करने के लिए है ना ये मेथड, तो क्या एक ही क्या क्या लाइन इसको क्या कर सकते थे पी सर? सर बी और सी को एक मैं भी लाइन वही पे। सोच रहा था। पी बी और सी को एक ही लाइन में ले सकते थे, हाँ सर, मतलब मतलब बी सी पे पी कन्वीनियंट ले कर पाते ना। लिया। नहीं, क्यों ले सकते थे? एक मिनट, क्योंकि सर पी एनी पॉइंट दिया पी हुआ है। एनी पॉइंट, पी एनी पॉइंट का मतलब ये नहीं पी तुक्का मार दो, सर ऐसे तो सेंट्रोइड पे भी ले लेंगे। ऐसे तो पी को सेंट्रोइड पे ले लो, कर सकते एनी पॉइंट है तो प्रूफ तो कर पाएंगे। तू वेरीफाई कर रहा है कि प्रूफ कर रहा है, ये बता दे। तो प्रूफ करना मतलब तो प्रूफ में सेंट्रो, ऐसा तुक्का नहीं चलता है। इफ आई आस्क यू टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन फॉर एनी थीटा, यू कैन नॉट टेक थीटा 45 डिग्री टू इट, यू अंडरस्टूड? मैं सेंट्रोइड की बात नहीं कर रहा था, मींस हमारा मतलब ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगर एक्स एक्सिस पर आप वो लेने। कैलकुलेशन को इजी नहीं कर रहे हो, आप उस क्वेश्चन में तुक्का मार रहे हो जो आप कह रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, मेरी बात सुन जरा ध्यान से, पहले से डिसाइड मत कर कि मुझे रिप्लाई देना है। सुन मैं क्या कह रहा हूं, इफ आई आस्क यू टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन फॉर एनी थीटा, हाउ विल यू प्रूव इट? राइट एंगल ट्रायंगल, यू विल नॉट टेक 30 डिग्री एंगल, राइट? यस सर। दिस इज वॉट यू आर डूइंग व्हेन आई एम सेइंग प्रूव इट फॉर एनी पॉइंट, यू आर टेकिंग अ टेकिंग अ स्पेशल पॉइंट। तो सर इधर इधर भी तो उन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट ही लिया है ना, तो सर क्या करें इधर उसने?
इधर भी तो हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ही लिया है ना, पर उस पॉइंट पे कोई स्पेशलिटी तो नहीं है कि वो लाइन के ऊपर है या जी पर है, कोई स्पेशलिटी है उसपे? नहीं ऐसा नहीं है, जनरल पॉइंट अच्छा, तो अच्छा, मतलब हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि B को ऐसा बनाए कि वो y एक्सिस पे चले, यानी कि P is perpendicular to both C and B, तो बस वो 3n की तरह एक जीरो आ जाएगा ना, थोड़ा ना, भी नहीं कर पाओगे। देखो समझने की कोशिश करो तो सर, वो पॉइंट का कोई स्पेशलिटी नहीं होना चाहिए। हाँ समझने की पॉइंट एक डिस्टिंक्ट मतलब होना चाहिए। व्हेनेवर ही हैज गिवन यू अ क्वेश्चन दैट मींस ही हैज ऑलरेडी गिवन यू अ डायग्राम, उसने डायग्राम तुम्हें दे दिया, ऐसा एक डायग्राम वो दे चुका है, अब उसने कहीं भी पॉइंट भी बना दिया होगा। अब आपके पास ना सिर्फ और सिर्फ ना पेंसिल से एक्सिस बनाने की औकात है और उससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं गलती कर रहा हूँ। अब आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी एक्सिस बना लो, मैं उसमें मना नहीं कर रहा, लेकिन इधर कुछ छेड़ नहीं सकते आप। ये डायग्राम उसने एक इमेज, ये सोचो पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे आपको इमेज छाप के दे दी, यू कांट एडिट इट नाउ, यू कैन ओनली ड्रॉ एक्सिस विद सम पेंसिल ऑन इट, दैट्स ऑल। तो मैं पेंसिल से एक्सिस ड्रॉ जरूर कर पा रहा हूँ, तो मुझे बता दो। मैंने तो पी पॉइंट को ओरिजिन लेके मैंने ऐसे एक्सिस बनाने की कोशिश की है, मैंने ये काम करने की कोशिश की है, ऐसा मैंने ये एक्सिस बनाई पेंसिल से उसी इमेज के ऊपर, और क्योंकि ये ऐसे हो गया तो वाई एक्सिस वाला भी फिक्स हो गया। ऐसा ये किया है मैंने, द इमेज दैट ही हैज प्रोवाइडेड आई हैव नॉट चेंज्ड इट। What you are saying ना, take point P here, तुम ये काम करने को कह रहे हो कि उस बेचारे ने ऐसे तुम्हें क्वेश्चन दिया, एक इमेज दी ऑलरेडी, whenever he wants you to prove, that means जो भी चीज उसने बोली है उसने फिक्स की है, ये पॉइंट पी हुआ लेट से, तुमने कहा नहीं नहीं एक काम करना, तू अपना पॉइंट वहां से हटा, मैं यहाँ लूंगा पॉइंट पी को, उससे कोलिनियर हो जाएंगे, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। यार ये क्या बात हुई सर, मतलब क्वेश्चन में डायग्राम रहेगा ना ये वाले प्रूफ वाले? अगर डायग्राम नहीं भी रहेगा तुम में तो कॉमन सेंस रहेगा टू सम अंडरस्टैंड कि डायग्राम गिवन है, उसने नहीं भी बनाया है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बिल्कुल बच्चों की तरह मत बिहेव करो। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें सेंट्रोइड है, एंड इफ पी इज एनी पॉइंट देन प्रूव दिस, इसका मतलब ये सब चीजें क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम बनाए नहीं बनाए डजंट मैटर। इफ यू विल कीप ऑन सर्चिंग फॉर डायग्राम, दैट मींस पेपर में भी जाके तुम कहोगे डायग्राम नहीं बनाया इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करके आया, वो क्लास फोर्थ का बच्चा कहेगा ये बात। यहाँ कॉमन सेंस नहीं दिख रहा कि देयर इज अ डायग्राम दैट ही इज टॉकिंग अबाउट दैट डायग्राम, यस और नो? यस सर। एंड यू आर नॉट अलाउड टू चेंज दैट डायग्राम। ओके सर, व्हाट यू आर अलाउड, व्हाट आर यू अलाउड, टेल मी। एक्सिस बनाना सर, एक्सिस बनाना अलाउड है, वो भी एक पेंसिल से ऊपर रफ वर्क जैसे करते हैं ना, वो अलाउड है। इफ इज एनी पॉइंट ही हैज गिवन ना, यू कांट से ओके ओके तो आई विल टेक अ पॉइंट पी ऑन दी line BC. Why? Because you said any point, I can take any point. This is nonsense. This is ridiculous. That can never work. This is not a proof. You have to prove something for any point in this universe. Any point P in this universe. Iska matlab ye nahi tumhare paas choice hai ki main tukke wala point leke kar dunga. You'll have to take a general point. When you have to prove sin square theta plus cos square theta equal to 1 for any theta, that means you have to take a theta and prove it. You can't say, okay, I'll take 45 degree, na, 1 by root 2 plus 1 by root 2, the square add karke bana. That's nonsense, that's ridiculous. This is verification what you are doing. If he asked you, verify for any point P that this is true, verify. Verify. Verify or proof ka fark samajh mein aa raha hai ki nahi aa raha hai tum logo ko? Janta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, sir, fir, आपने बाहर लिया तो मैं अंदर लूंगा तो भी चलेगा ना, लेकिन चलेगा? अंदर भी किधर भी, अगर उसने डायग्राम बना के नहीं दिया है इसका मतलब पॉइंट पी के अंदर या बाहर होने से कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। आप अंदर अच्छा, भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा मत कर देना पॉइंट पी को सेंट्रोइड पे बना। नहीं 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 सर, वो तो जीपी की लेंथ जीरो है। हाँ हाँ मजा आ गया, वो मजा नहीं आ गया, तुमने एक क्वेश्चन को तबाह कर दिया। ओके सर, तो फिर इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अंदर भी लेना चाहते हो ना अगर उस पॉइंट पी को, तो कुछ ऐसा कहीं लेना कि हाँ जी से अलग रहे वो कम से कम। यस सर, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यू कैन नॉट ट्विस्ट द ओरिजिनल डायग्राम टू कन्वर्ट इट टू अ स्पेशल डायग्राम एवर। ओके सर, ओके सर। कई लोग इस तरह की हरकत करेंगे, सर व्हाई नॉट टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हां हां मजा आ गया। अरे क्यों ले लूं भाई, सर इन अ ट्रायंगल एबीसी बोला ना, इनफैक्ट मैं यही लिख देता इन एनी ट्रायंगल एबीसी, अब यहीं पे लोग चालू हो जाते सर इक्विलेटरल ले लेंगे। अरे क्यों ले लेंगे भाई, यू हैव टू प्रूव इट फॉर एनी ट्रायंगल। विल इक्विलेटरल का समझा, वो स्पेशल केस हो जाएगा।
विल इक्विलेटरल का प्रूफ बी अ जस्टिफाइबल प्रूफ फॉर एनी ट्रायंगल टेल मी नहीं सर वो हमको जनरल के लिए करना है ना सर हां वो तो तुक्केबाजी हुई चेक कर लेता हूं कि ये सच भी है कि ये झूठ है तो चेक करना हुआ समझ रहे हो वेरिफिकेशन और प्रूफ का फर्क हां सर समझ गया सर अगर वो पॉइंट कोलिनियर हो गया तो सर इजी कैसे हो गया काम मतलब अगर वो कोलिनियर हो गया आप बोल रहे थे ना सर वो पी उधर ले पता नहीं यार वो शायद हो जाता होगा इजी वो सेकेंडरी चीज है चलो अब इसको जरा सिंपलीफाई करते हैं सिंपलीफाई करिए इसको आया आया तो ये तुमने तो पहले कैलकुलेट किया था ना उसको कॉपी पेस्ट सर जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना चलो जी अब इसको सॉल्व करते हैं कितने एक्स स्क्वायर आया 4x square plus n square plus 1 minus 4hm minus 4h plus 2m plus ऐसे अलग अलग लिखने की जगह एक काम करूं तुम्हें एक चीज दिखाऊं कैसे कर सकते हैं सबको यहां तक समझ में आया ना यहां तक क्या चल रहा है हाँ या ना हाँ सर इधर देखो h स्क्वायर यहां से आएगा और यहां से आएगा करेक्ट हां सर यहां से कितने आएगा सर 4h स्क्वायर सर 6 आ गए टोटल 4 यहां से 1 आएगा 5 और यहां से 1 6 ये लो सीधे लिख लो 6x स्क्वायर टोटल समझ रहे अच्छा हां सर k स्क्वायर बताओ कहां-कहां से आएगा k स्क्वायर सर तीन जगह से यहां से और यहां से कितना बना सर 6 शाबाश अच्छा एम स्क्वायर बताओ कहां से आएगा तीन जगह से यस यहां से और यहां से कितना हो गया सर 6 शाबाश एन स्क्वायर भी चेक कर लेते हैं एन स्क्वायर यहां से आएगा और यहां से आएगा कितना हो गया सर वापस 6 वाओ चलो जी यहां तक तो मैच कर लो कांस्टेंट देख लेते हैं यहां से आएगा और यहां से आएगा मिलके कितना कांस्टेंट हुआ 6 6 HM देख लेते हैं HM HM कितना आ रहा है यहीं से आएगा और एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा देख रहा है HM यहीं से बनेगा तीन आया ना हां सर यहां से कितना आएगा जल्दी बताओ -4 -4 HM बनेगा ना देख रहा है -4 HM यहां से बताओ -4 -4 +2 +2 HM मिल मिला के कितना हो गया -6 -6 HM जल्दी से H चेक करो H कितना आएगा -4 -6 -4 +2 -4 -4 -6 है अब क्या बचा M चेक कर लेते हैं जल्दी करो -6 हाँ नहीं है -6 की आना है ऑफ कोर्स आएगा यार सर आपने HM के लिए कैसे किया सर एक बार बताओ ना अरे जब 2AB वाली टर्म आएगी ना तो हाँ हाँ सर अच्छा ओके अच्छा मैं ये नहीं कह रहा पॉइंट P चॉइस ऑफ ओरिजिन में कुछ अच्छा पॉइंट था शायद पॉइंट B को ओरिजिन ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता बस मैं जानबूझ के मैंने पॉइंट पी को ओरिजिन लिया जस्ट टू शो कि भाई ओरिजिन की चॉइस सिर्फ एक रफ पेज पर स्क्रिबलिंग जैसा है कि उसने ऑलरेडी तुम्हें एक पेज का प्रिंट आउट दे दिया है उसमें फिगर बनी हुई है तुम्हें ऑलरेडी उसने ऐसा ना एक प्रिंट आउट जैसा दे दिया कि ये लो मतलब जैसे उसने ना एक पेज पे ना इंडिया का मैप बना के दे दिया ओके ये इंडिया का मैप बना के दे दिया अब वो तुमसे ये प्रूव करवा रहा है प्रूव करो आगरा से कानपुर तक का रोड और मुंबई से पुणे तक का रोड का लेंथ इक्वल है ये प्रूव करने को बोल रहा है अब कुछ गधे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्चुअली गाड़ी निकालेंगे पहले आगरा जाएंगे
फिर कानपुर जाएंगे और गाड़ी के किलोमीटर मेजर करेंगे, फिर मुंबई से पुणे के भी किलोमीटर मेजर करेंगे, फिर बोलेंगे हाँ सही, ये भी गधे काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कई लोग एक ग्राफ पेपर उठाएंगे और ग्राफ पेपर में एक्चुअली जो लेंथ है ये एक्चुअल सड़क की लेंथ तो नहीं होगी, ये तो बेचारी एक एक डेढ़ डेढ़ सेंटीमीटर की लेंथ होगी ग्राफ पेपर पे। एक्चुअल लेंथ कितनी बड़ी होती होगी? हाँ ना, एक्चुअल लेंथ ग्राफ पे भी स्केल से मेजर करेंगे, अच्छा ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है, सॉरी ये 2 सेंटीमीटर आ रहा है ग्राफ पेपर, सॉरी 2 ग्राफ यूनिट बोलेंगे, 2 यूनिट आ रहा है मेरी ग्राफ पे और यहाँ पे भी 2 यूनिट आ रहा है। अबे अगर ग्राफ पेपर पे सेम है तो एक्चुअल भी सेम ही होंगे। इन लोगों ने क्या किया, टाइम भी बचाया और पेट्रोल भी बचाया। हाँ या ना? और पैसे भी। अच्छा तीसरी क्वालिटी देखो जो और भी मस्त है, तुम्हें पता है ये जो डिस्टेंस ग्राफ पे जिन लोगों ने निकाला उन्होंने कैसे निकाला होगा? इसके कोऑर्डिनेट लिए होंगे, इसके कोऑर्डिनेट लिए होंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा x3 - x1 का होल स्क्वायर, y3 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? यही काम किया होगा। यही काम किया होगा ना, तो ये 2 यूनिट समझदार बच्चा क्या कह सकता है, ये तो गधे है, मैं ऐसा क्यों करूं? जब ये एक्सिस मेरे को ही ग्राफ पे बनानी है तो मैं खुद ही बना लूंगा ना, मैप तो मुझे गया, मैं ये लो यहाँ बना लूंगा, ये लो, तो उसने यहाँ एक्सिस बना दी। तो ये बताओ इस बच्चे को थोड़ा बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? ऑरेंज वाले बच्चे को एक पॉइंट ओरिजिन हो गया और ये थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। हाँ या ना? हाँ सर। तो हम रोड स्ट्रेट नहीं, समझ रहे हो हम ये? अच्छा अब ऐसा, अब ये ओरिजिन ले लिया, अब ये नहीं ये भी ओरिजिन ले लेगा, या फिर यू कह देगा मैं काम करता हूँ हमें प्रूव करना है ना, तो वाई नॉट टेक कानपुर ऑन द सेम लाइन। अरे मतलब तो सिटी को उखाड़ के यहाँ थोड़ी ले आएगा, दैट इज ऑलरेडी फिक्स, यू कांट चेंज दैट। ये पेंसिल बस तेरे हाथ में उस पेपर पे चलाने के लिए, दैट्स ऑल। लॉजिक समझ में आया? जो लोग कह रहे ना सर, अच्छा सर ये डिस्टेंसेस इक्वल करने को दिए हैं, सर मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक्सिस ऐसे बनाता हूँ और फिर ना सर ये डिस्टेंस के साथ ना मैं यहाँ हैदराबाद और वाइजैक के बीच का डिस्टेंस मेजर करके इक्वल प्रूव कर दूंगा। अबे मतलब क्यों सर? वो तो बोला है ना कि नहीं दो पॉइंट। अरे यार जो दो पॉइंट उसने कहे उन्हीं के लिए करना होगा ना, तुम्हारे हाथ में सिर्फ पेंसिल की वो है, तुम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर, क्लियर। यस 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 सर। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, काफी लंबा क्वेश्चन था पर आपको पता है नॉर्मल ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन रुला देता है यहाँ, तो फिर भी मतलब मैंने बहुत नीटली प्रेजेंट कर दिया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। हो गया ये वाला क्वेश्चन सर? हाँ यस। तो फिर ये प्योर ज्योमेट्री में सर आप क्या क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं प्योर ज्योमेट्री में? हाँ सर, तो थोड़े सिमिलर ट्रायंगल, थोड़ा पाइथागोरस। अच्छा सर, सर ये देखने के बाद तो सर मेरा दिमाग ही नहीं चलेगा प्योर ज्योमेट्री केस में तो। सर सर आप एक बार ऐसे बता सकते हो एच आपने डायरेक्ट कैसे डिटरमाइन किया? क्या एच? एच कैसे देखा? यहाँ पे आएगा -4H। हाँ, यहाँ तो आएगा नहीं। हाँ सर, यहाँ आएगा +2H प्लस। हाँ हाँ, यहाँ पे -4H। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। सर हाँ, आपने बोला कि ये क्वेश्चन में हम पी ट्रायंगल के अंदर भी ले सकते हैं, करेक्ट? हम नहीं ले सकते वो तो, अगर क्वेश्चन में गिवन है पी ट्रायंगल के अंदर तो पी ट्रायंगल के अंदर भी होगा। क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है पी पॉइंट पी के ट्रायंगल के अंदर या बाहर होने की वजह से, इसका मतलब प्रूफ पे कुछ फर्क पड़ेगा, इसलिए अगर आप बाहर भी लोगे या अंदर भी लोगे इट वोंट मैटर, तो पेपर चेकर विल नॉट डिडक्ट मार्क्स ऑन योर चॉइस ऑफ पी, क्योंकि बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी चॉइस इन पी, वो गिवन ही है ऑलरेडी। तो सर जैसे समझो अगर हमने अंदर ले लिया तो हम तभी भी पी को ओरिजिन मान सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं मान सकते, अगर किसी बच्चे ने, पहली बात तो आपने पी को ओरिजिन, पी को अंदर नहीं लिया है, जो क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है उसी ने पी को अंदर लिया होगा, आपकी हाथ में नहीं है पी को कहाँ चूज करना, इट डजंट हैव, इट इज जस्ट दैट ही हैज नॉट गिवन अ डायग्राम बिकॉज ही नोज इट वोंट मैटर, तो कुछ भी बना लो, चॉइस आपके पास ये भी नहीं है। अब अगर आप पॉइंट पी को आप अंदर भी लोगे ना, तो मैं चलो वापस एक्सिस बना देता हूँ इसे, ठीक है? मुझे बताओ कौन सा पार्ट, अभी भी मैं इस पॉइंट को 3.0 लूंगा, इसको 3H.3 के लूंगा, इसको 3M.3 लूंगा, मुझे बताओ कुछ भी चेंज होगा? नहीं सर, कुछ भी चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं, इसीलिए उसने कुछ बोला नहीं है। याद रखना पी को लेना मेरी चॉइस नहीं है, पी कहीं ना कहीं तो गिवन है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो बनाना ही पड़ेगा,
उस कहीं ना कहीं पे बस कुछ स्पेशलिटी नहीं होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। चले आगे। यस सर। चलो ये करो क्वेश्चन। माइक ऑफ करो। ये पता है क्या क्वेश्चन है? अरे प्योर ज्योमेट्री से क्या है सर? ये प्योर ज्योमेट्री से करना है। बहुत इसे प्रूफ किया सर्कल से आ सकते हैं उसका प्रूफ। प्योर ज्योमेट्री में ज्यादा इजी है। तो पूरा क्वेश्चन लिख दिया आपने? हाँ इतना ही है। बताओ ये क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है। अब देखो उसने डायग्राम बना के नहीं दिया है, पर डायग्राम ऑलरेडी है हमारे पास। मतलब इट इज इम्प्लाइड, इट इज ऑलरेडी इम्प्लाइड कि भाई अच्छा 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 कुछ एक सर्कल होता होगा। नाउ यू कैन आर्ग्यू, यू कैन स्टिल आर्ग्यू, सर आपको कैसे पता इतना ही बड़ा सर्कल है? अरे यार कुछ तो होगा, एक सर्कल होगा जो गिवन होगा, एक पेपर पे प्रिंटेड होगा, करेक्ट? और ऐसे और क्या होगा उस सर्कल में? एक डायमीटर होता होगा, याद है? डायमीटर। हाँ ये पेपर में, सर आपको कैसे पता ये ऐसी टेढ़ी लाइन होगी? अरे मुझे नहीं पता, पर होगा, उसने दिया नहीं है बिकॉज इट वोंट मैटर। समझ रहे हो? ऐसी एक लाइन होती होगी पेपर पे, ठीक है भैया ये डायमीटर होती होगी। फिर उसको कौन सा एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था? एक ट्रायंगल बनेगा सर। हाँ सर, एक सेमी सर्कल पे एक पॉइंट लगा, उससे जो ट्रायंगल बनता है डायमीटर के साथ, दोनों एंड पॉइंट्स कनेक्ट करने, एंड पॉइंट्स कनेक्ट करने, हमें ऐसे कनेक्ट करके इसको 90 डिग्री प्रूव करना। ये 90 डिग्री गिवन नहीं है, यू हैव टू शो दिस 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 एंगल इज 90 डिग्री, यू हैव टू प्रूव दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये है क्वेश्चन, करेक्ट? अभी जो व्हाइट कलर में बनाया हुआ है ये मुझे पेपर पे प्रिंटेड मिला है या मेरी चॉइस थी? कुछ भी छेड़ पाऊंगा? नहीं सर। अब बताओ कहां एक्सिस रखूं, क्या करूं? सर वो जो व्हाइट लाइन है बेस ऑफ द डायमीटर को एक्स एक्सिस ले लो, डायमीटर हां, और सेंटर को ओरिजिन ले लो। वेरी गुड, गुड चॉइस। हमेशा सर्कल में ना सेंटर को ओरिजिन लेना काफी अच्छा फायदेमंद चीज रहता है दोस्तों। सर हम लोग एक सेकंड तो बच्चों, मैंने इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया, इसको ओरिजिन ले लिया, अच्छी क्वेश्चन। रेडियस को भी 1 यूनिट ले सकते हैं। वेरी गुड, रेडियस को भी हम 1 यूनिट ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। इधर कुछ बाय 2 वाई 2 तो नहीं करना है, देख लो तो 2.0 ले लेना। नहीं सर नहीं करना पड़ेगा लगता। अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा होगा चल क्या रहा है। नहीं सर ये तो पाइथागोरस से कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अच्छा अब इस पॉइंट को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, क्या अज्यूम करें सर? एच कॉमा के। कितने लोग कह रहे हैं एच कॉमा के? नहीं, हमारे पास एक बेटर चॉइस है, लिख लो एक ट्रिक। नहीं एक ट्रिक नोट करो। हाँ बिल्कुल, एच कॉमा केज भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एच कॉमा केज भी होगा। ट्रिक नोट कर लो, इफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन
is R. Sine square theta plus cos square. Shabash. Assume it as R cos theta, comma R sine theta. लिख लो. अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से आ रहा है तो R cos theta, comma R sine theta. यानी इस केस में इस पॉइंट को क्या ज्यूम कर लूं? cos theta, comma sine theta. cos theta, comma sine theta. और ये हरकत हम पहले भी कर चुके हैं. कौन से चैप्टर में? यूनिट सर्कल पे. त्रिभुवों में. सर फर्स्ट त्रिभुवन. चलो जी. अच्छा ये पॉइंट क्या हुआ बच्चों, ये बताओगे? माइनस वन कॉमा जीरो. वेरी गुड सर. नहीं समझा ये. एक मिनट. cos theta, comma sine theta नहीं समझा? हाँ वो ट्रिक और ये नहीं समझा. ट्रिक चलो बाद में, पहले ये बताता हूँ. ये बता बेटा, अगर ये पॉइंट पी इस यूनिट सर्कल पे ही है ना? हाँ सर. तो यूनिट सर्कल के एक्स कोऑर्डिनेट को cos theta और वाई कोऑर्डिनेट को sin theta ही बोलते हैं. हाँ हाँ. अच्छा जब मैंने इसी का एक जनरलाइजेशन भी लिखवा दिया, अगर यूनिट सर्कल की जगह वो एक सर्कल पे है जिसका डिस्टेंस, जिसका ओरिजिन से रेडियस आर है, तो उसको क्या अज्यूम करोगे? आर cos theta और आर sin theta. आर sin theta का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल के देखो कितना आ रहा है. आर ही आ रहा है. हमारे पास बेटर तरीका नहीं है 90 डिग्री पर स्लोप वो माइनस स्लोप 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 कर सकते. तो स्लोप ऑफ पीए इनटू स्लोप ऑफ पीबी इज माइनस 1. आया ना? यस सर. तो जल्दी बताओ स्लोप ऑफ पीए कितना आ रहा है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. आया ना? यस सर. कोई बच्चा दुखी? और स्लोप ऑफ पीवी कितना आ रहा है? सी प्लस वन अपॉन एस. करेक्ट. दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो. दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया? साइन स्क्वायर अपॉन माइनस साइन स्क्वायर. हाँ माइनस वन आ गया. सर एक बार एच कॉमा के से करके बता सकते हो? सर ये ट्रिक एक बार बताना सर. वो cos theta अच्छा, वो r cos theta r sin theta भी नहीं समझ पा रहा मैं. पहले से कॉपी करने दो लोगों को. ओके सर. तो हाँ जी सर, ये डायग्राम में हम लोग थीटा को ऐसे डिफाइन कर सकते ना कि एंगल मेड बाय सेगमेंट ओपी विद द एक्स एक्सिस. हाँ थीटा भी एंगल है. ओके सर. सर ये मेथड करने के अलावा हम लोग पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर पाइथागोरस वाला मेथड ले तो गलत नहीं होगा ना? गलत नहीं होगा, पर मैंने तुम्हें जानबूझ के ना ये इससे यूज करवाया बेटा
क्योंकि मतलब स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत पावरफुल तरीका है 90 डिग्री प्रूव करने सर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जीरो भी प्रूव कर सकते हैं सब स्क्वायर वायर आने से बहुत ज्यादा कन्वीनिएंट है ये वाला हाँ जी सर हम लोग सेंटर को ओरिजिन मानते हैं क्योंकि ईच पॉइंट ऑन द सर्कल इज इक्विडिस्टेंट सो मतलब फायदा हो जाता है करेक्ट फायदा ओके सर हो गया बच्चों यस सर यस सर चले आगे सर वो कॉस थीटा साइन थीटा एक बार सर एक मिनट बस वो ट्रिक कॉपी करना सर हाँ जी सर वो कॉस थीटा साइन थीटा एक बार बता सकते हैं क्या बताऊं सर मतलब क्यों किया कैसे आया वैसे ट्रिगो वन में पड़ा एनी पॉइंट मूविंग ऑन अ यूनिट सर्कल हां इज द एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा और द वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा हां हां सर अच्छा ओके इधर बताओ थीटा कौन सा एंगल है बताओ हां सर हां वो अच्छा रहेगा सर सर आपने नहीं पढ़ाया था ट्रिगो वन मैंने नहीं पढ़ाया था ये क्या बात कर रहा है आपने ट्रिगो वन नहीं पढ़ाया था हमने ट्रिगो नहीं पढ़ाया था हमको आपने ट्रिगो वन नहीं सर ने पढ़ाया था हां सर इसलिए ये पढ़ाया सर ने भी पढ़ाया होगा पक्का थोड़े हां सर ने पढ़ाया ये पक्का पढ़ाया पढ़ाया है सर अरे तो जनरल नॉलेज टैन थीटा मुझे एक और क्वेश्चन दूं यस सर हां सर सर मेरे को एक डाउट है हां बोलो बेटा पिछले साइड पे आप जा सकते हो क्या प्लीज हाँ सर वो स्लोप वाला पार्ट मुझे थोड़ा उसमें कंफ्यूजन आ रहा है स्लोप निकालना पता है बेटा y2 minus y1 upon x हाँ हाँ सर वो पता है बट नहीं मेरा डाउट ये था कि मतलब आपने दो स्लोप्स को वैसा आपको कैसे क्लिक किया वो पूछ रहा था स्लोप्स का निकालना कैसे क्लिक किया कि मल्टीप्लाई करना कैसे क्लिक किया क्या क्लिक किया नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आपने वो स्लोप ऑफ पी ए एंड स्लोप ऑफ पी बी वो आपने मतलब क्यों किया 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमने लिखवाया था ना m1 m2 equal to minus 1 ओ हाँ ओके हाँ थैंक यू सर वो वही तरीका है ना उसमें चल सकते हैं बच्चों आगे सर सर हमने वो कोऑर्डिनेट सर फिर वो r cos थीटा r sin थीटा ऐसे क्यों नहीं लिया सर आपने अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से अगर आर होगा ना हाँ सर है ना ऐसे अगर कोई पॉइंट है लेट्स ऐसे कोई भी पॉइंट है इसका डिस्टेंस लेट्स सी आर है हाँ ये आर डिस्टेंस है तो इस पॉइंट को ले लो आर कॉस थीटा तो हम आर साइन थीटा क्योंकि देखो ये एंगल थीटा वही है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा होगा हाँ हाँ और वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा होगा ओके सर समझ गया यस सर लेकिन ये ट्रू तभी है जब एक यूनिट सर्कल में हमने ये ड्रॉ किया है ना नहीं आर वाला तो यूनिट सर्कल से कोई मतलब ही नहीं है अच्छा हाँ आर तो वन रहेगा यूनिट यस समझा समझा मैं चलो ये क्वेश्चन करो सर तुमने प्रीवियस क्वेश्चन में उसको ऐसे वन मान लिया अच्छा हाँ वो वन कोऑर्डिनेट माना सॉरी सर एक और देता हूं हाँ ये करो
सिर्फ स्लोप ही पढ़ा है ना अभी तक, और कुछ भी पढ़ाया मैंने तुम्हें? इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह पढ़ाया अभी तक? नहीं नहीं सर, बस इतना बताया था y = mx + c। हां नहीं रुको ना, फिर कुछ ऐसा ही देना पड़ेगा ना इसको, उसके इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज। चलो ये करो, ये बचपन का ये वाला क्वेश्चन ये कर लोगे। एरिया पढ़ाया? यस सर। यस सर। हां सर पढ़ाया, एरिया हो गया। करो सही, ये भी करो। क्वेश्चन थ्री तो अच्छा, क्वेश्चन थ्री में बच्चों, क्वेश्चन थ्री में उसने ट्रायंगल आपको सब आपको बना के नहीं दिया, पर डू यू अंडरस्टैंड ना, ट्रायंगल कहीं ना कहीं बना चुका है वो। यस सर। यस सर। अब हम ये नहीं कर सकते सर, राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं सर, दैट वी कांट डू, वो ऑलरेडी उसने पेज दिया नहीं है। सर वो एनी ट्रायंगल है ना। हां अच्छा बच्चों ये पता है, एक ट्रायंगल एबीसी में वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को स्मॉल पी। हां सर आपने बताया। हां हां सर ये बताया। स्मॉल सी। Okay. So, इसमें प्रूव दैट तो क्वेश्चन थ्री मिड पॉइंट थ्योरम से बहुत अच्छे से होएगा। ऑफ कोर्स ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो तो मैं तुम्हें जानबूझ के ये वाले दे रहा हूँ क्या, पर तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना, ऐसे बहुत सारे होंगे जो नहीं होंगे। हाँ सर। वो तो मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि जस्ट टू शो कि जो पहले तुम वैसे करते थे अब ऐसे कर दो, थोड़ा बहुत मुझे तुम्हारे माइंड में ये सब बातें डालनी पड़ेगी ना। देखो अब ये जो नया चैप्टर आया इस तरह से बिहेव करता है, तो वो फील तुम्हें देनी पड़ेगी ना थोड़ी सी, इसलिए मैं जानबूझ के पुराने, अगर मुझे नए क्वेश्चन ही उठाने होते तो मैं बहुत सारे उठा के दे देता भाई तुम्हें, बहुत सारे क्वेश्चन होते मेरे पास, मैं जानबूझ के मुझे मजबूरी में वो देने पड़ रहे हैं जो बचपन में किए हैं तुमने, सो दैट यू गेट द फील। अच्छा अब ऐसा सोच रहे हैं इस बचपन की क्वेश्चंस को ही अगर तुम इस मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तभी तो तुम इसको अप्रिशिएट करोगे कि अच्छा ये चल रहा है, अदरवाइज न्यू मेथड तो हो ही जाएंगे। एक्चुअली देखो ये वाला मेथड देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बचपन के तरीकों से रुला देगा, तो यहाँ पे उतना मजा नहीं आया, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है हाँ ये एक ही ट्रिक है, यहाँ पर मजा आ रहा है कि अच्छा हाँ ये तो बचपन में भी किया था, बचपन में तो बहुत ही आसान था ना, ये एंगल 180 डिग्री इसका आधा होगा ऊपर, याद है ना? हाँ सर। हाँ बचपन में तो कुछ था ही नहीं ऐसे तो, लेकिन अपने को प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट, इट इज अबाउट प्रैक्टिस की, चलो देखते हैं क्या है। सर स्टार्ट करिए दो। हाँ तो क्वेश्चन थ्री में बच्चों वो उसने हमें पेपर दिया नहीं है, पर अगर हम पेपर लेते भी ना तो ऐसा एक ट्रायंगल होता ऑलरेडी होता, हमारी चॉइस नहीं होती कि 90 डिग्री वाला बना,
और उसमें क्या होता दोस्तों, वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा होता, ठीक है, इस तरह की कहानी है, और ऐसा ज्वाइन करके उसने एक और ट्रायंगल बनाया है। अब वो पिंक ट्रायंगल और ब्लू ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो बोल रहा है, यही है ना कहानी? यस सर। अब हम अपना शस्त्र वो पेंसिल निकालेंगे, ठीक है, पेंसिल से अब हम क्या बनाएंगे? एक्सिस। बताओ जी कहाँ रखूं ओरिजिन, खुद ही बता दो सर। कोई भी रेस का मिड पॉइंट, ब्लू ब्लू सर, उधर ही रख दो, वो इजी है। हां सर, पिंक सर, पिंक लाइन का लॉन्ग रख सकते हैं, नहीं यही रख दो उसको, ये यहां ये इजी होगा जाएगा, ब्लू पे रख दो, यही रख दो, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी पड़ जाएगा सर, मेरे को तो ये भी इजी लग रहा है। अच्छा ज्यादा पर जो कर रहे हो वही इजी है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वैसे मुझे, लेकिन तो ये ओरिजिन ले लिया सर, ओरिजिन वो पिंक पॉइंट पे भी ले सकते थे ना, बिल्कुल कहीं, अरे तुम ओरिजिन तुम यहाँ हवा में भी ले सकते थे, नहीं सर वो बेटर रहेगा ना इसलिए पूछ रहा था, ये मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है ये वाला ज्यादा बेटर लगेगा, ये मेरी फील है, लेकिन मेरी फील सर वो सर ट्रायंगल के, वो छोटे ट्रायंगल के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ना फिर अगर उधर लिया, ये फील मेरी भी गलत भी हो सकती है, पर चलो ट्राई करो आप लोग। हाँ जी, तो इसे ले लेते हैं 1.0, ये हो जाएगा 2.0, सही है ना? यस सर, नो प्रॉब्लम। कौन बच्चा मुझे 2h, 2k, हाँ इसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा, h कॉमा के, 2h, 2k, अब सीख गए सर। 2.0 का क्या फायदा है सर? अबे 2.0 का फायदा छोड़, मैंने इसको 1 लिया है तो ये 2 ही होगा ना? नहीं सर। अच्छा ओके सर, अच्छा इन दोनों का मिड पॉइंट ये h, k हो जाएगा, h प्लस 1, k मस्त चल रहा है। तो पहले बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर अंदर वाले ट्रायंगल का, करेक्ट है? तो बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया मैं पर्पल ये ब्लू कलर से निकालता हूँ, डेल्टा 1/2, देखना जरा, 0, 0, 2h, 2k, ये पढ़ा है ना? हाँ सर, ये तो पढ़ा है। हाँ सर, सर आप वो बता सकते हो 2h2k का क्या फायदा है? 2h, k लेता तो यहाँ पे h/2, k/2 आ जाता, तो देख ले by 2 अच्छा लगता है कि न्यूमरेटर में 2 अच्छा लगता है, ये डिसाइड। हाँ नहीं, न्यूमरेटर में 2, हाँ ठीक है। ये लो, ये एरिया 2k आ गया। सर आपने एसी को ही 1 क्यों अज्यूम नहीं किया, वैसे पूछ रहा था। एसी को कहां 1 यूज की अज्यूम किया? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर, वैसे क्यों लिया था? एम को 1 अज्यूम किया है। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूं 1/2 आ जाता ना अगर एसी को 1, डिनोमिनेटर में 2 आ जाता, अगर 1 ले लेता तो भाई इसको 1/2 लेना होता, मुझे बाय 2 अच्छा नहीं लगता है। ओके, वैसे उससे कुछ गलत कुछ नहीं होगा, कोई बच्चा सोच रहा है कि उससे कुछ गलत हो जाएगा, गलत गलत कुछ नहीं है, सही वो भी है। ओके सर, सेम आंसर ना सर। अरे तू छोड़, 2 छोड़, यहाँ पे 2 करोड़ की पावर 2 करोड़ लिख ले, तो भी तेरी कैलकुलेशन ही गंदी होंगी, आंसर तो अभी भी सही आएगा तेरा। नहीं सर, ठीक है सर। इनफैक्ट तू उसको c,0 लेगा, अभी भी चल जाएगा, तेरे पास आंसर c की फॉर्म में आने चालू हो जाएंगे, अभी भी तेरा आंसर वही आएगा, मतलब दोनों रेशियोज तू निकालेगा वो 1/4 ही निकलेगा। नहीं सर, ये बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ मतलब देखने में लंबा होगा विजुअली सर, सी पे 4 लेते तो और अच्छा पड़ता है। मैं बताता हूं के हिसाब से सुनो, ये बड़े मजे से, कोई डेल्टा 1 कितना प्यारा आ गया ना 2 के सिमिलैरिटी से, बहुत इजी हो जाता।
अगर तुम सी ले लेते तो ये टू के सी जैसा कुछ आ जाता। हाँ भाई चलो डेल्टा टू देखो हाफ वन जीरो एच प्लस वन के एच के वन जीरो करेक्ट है बस हाफ के प्लस एच के प्लस के माइनस एच के माइनस के माइनस के के बाई टू क्या रेशियो है दोनों का क्या रेशियो है इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे यार मिड पॉइंट थ्योरम तो है ही उसकी तो मना नहीं कर रहा हूँ कई लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे मतलब चॉइस ऑफ ओरिजिन जो लोग नहीं लगाएंगे ना ऐसा नहीं कि उनसे क्वेश्चन नहीं होगा क्वेश्चन तो उनसे भी होगा पता वो क्या करेंगे जो चॉइस ऑफ ओरिजिन नहीं लगाएंगे और फिर भी कोऑर्डिनेट लगा रहे हैं दे आर नॉट यूजिंग चॉइस ऑफ ओरिजिन दे आर स्टिल यूजिंग कोऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट लगेंगे तो इस पॉइंट को लेंगे एक्स वन वाई वन इसको लेंगे एक्स टू वाई टू ऐसा करेंगे वो लोग अब तुम्हें पता है ये सिर्फ उनका इल्यूजन है उनके दिमाग का कि हमने चॉइस ऑफ ओरिजिन नहीं लगाया है चॉइस ऑफ ओरिजिन उन्होंने लगाया है उन्हें सिर्फ पता नहीं उन गधों को कौन बच्चा बताएगा उन्हें क्यों नहीं पता है क्या उन्होंने लगा चुके ओरिजिन ओरिजिन कहीं ना कहीं तो होगा ना उन्होंने अज्यूम किया तभी तो ये वर्टाइसेस आए हैं उनके हां हां सर कहीं ना कहीं खुद ही अज्यूम किया और खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली अच्छा फिर उनके मिड पॉइंट आएंगे गंदे गंदे आएंगे ना हां सर तमीज नहीं है कि अबे कम से कम 2x1 2 आई मैंने वो ले लेता कम से कम अभी अब सोचो सबका एरिया निकालेंगे ऐसे सारे गंदे गंदे पॉइंट्स का एरिया निकालेंगे आंसर उनका भी आएगा गलत उनका भी नहीं है समझ रहे हो सर समझा हाँ सर समझ रहे हो साल लग ये वो लोग हैं जिन्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी पर फिर भी इन्होंने उसकी ऐसी तैसी कर दी वो सुना है ना कहावत इन्हें सोने का कटोरा दो तो भी ये लोग यही काम किया है उन लोगों ने कि यार कोऑर्डिनेट सिखा रहे हैं इतनी पावरफुल चीज सिखा रहे हैं जिसमें बच्चे मतलब एक्चुअली कोऑर्डिनेट अगर तुम सीख गए तुम्हें पता है कितने फ्यूचर के कितने ब्रांचेस तुम्हारे लिए ओपन होंगे जिसकी इच्छा होती है ना स्पेस रिसर्च करूंगा नासा जाऊंगा एरोस्पेस करूंगा भारत के लिए मिसाइल बनाऊंगा ये करूंगा वो करूंगा भाई सब सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिना कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो सोचो इतनी पावरफुल टेक्निक उनको सिखा रहे हैं और वो भी उसके बाद भी फिर वो ऐसे मतलब उस जैसे काम कर रहे हैं समझ लो इसमें भी और देखा जाए तो इसने भी कुछ ऐसा नहीं किया कि आपने इसमें ओरिजिन अज्यूम नहीं किया इन्होंने भी किया ही है बस आपने बनाया नहीं है एनीवेज ये वाला करो अगला वाला ये बड़ा प्यारा है सर ये सर कोऑर्डिनेट कैसे काम आता है सर नासा और इसमें अरे कोऑर्डिनेट ही तो काम आता है अब मान ले हेलीज कॉमेट हर 86 साल बाद चक्कर लगाता है तो उसके उसका जो ग्राफ उसका वो जो शेप है इलिप्स है जो उसका और अर्थ का जो रोटेशन का रिवॉल्यूशन का इलिप्स है वो इलिप्स आपस में 86 साल बाद पास आते हैं ताकि वो हमारी विजिबिलिटी में आता है ये होता है फंडा उसका अच्छा हाँ करेक्ट करेक्ट समझा सर वो दो इलिप्सिस का के ऑर्बिट्स का विजिबल डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट होता है वो ओके सर तुझे क्या लगता है मान लीजिए ऊपर से कोई कॉमेट आ रहा है उस पर टक्कर मारने यहाँ पे बैठ के वो सिमिलर ट्रायंगल्स लगाने चालू कर देंगे सर नहीं भाई वो कोऑर्डिनेट ही लगती है पूरी पूरी ट्रेजेक्ट्री पूरा सब कुछ एवरीथिंग ये तो तुम्हें तो बचकानी चीजें पढ़ा रहे हैं अभी कि स्ट्रेट लाइन सर्कल वर्कल पढ़ाएंगे तुम्हें पता है आगे जाके कैसी कैसी ट्रेजेक्ट्रीज पढ़ाई जाएंगी स्पाइरल क्यों जरूरी है पता है मंगल पे मंगलयान कैसे उतरा था पता है ना कई लोगों को ऐसा वो पिक्चर में भी था ऐसा मिशन मंगल सर कई लोगों को ऐसा लगता है अर्थ है अर्थ से ना ऐसे सीधा फेंक के मारूंगा भाई साहब ये ऐसे आता है अर्थ से लॉन्च हुआ ऐसे देखो बताता हूँ ऐसे जाता है सर टेंजेंशियल वेलोसिटी ना पेरिजी यूज किया था सर तो पूरा रोटेशन मारना यहाँ पे भी कई बार चक्कर पहले चक्कर लगाते हैं कई बार इसके ऑर्बिट में आया ना फिर यहाँ चक्कर लगाएगा और फिर यहाँ होता है हाँ हाँ सर इसका एक ग्रेविटेशन यूज करेगा ऐसे सेम ट्रैजेक्टरी था तुम्हें पता है लास्ट भारत का मंगलयान जो गिरा ना वो लास्ट स्पाइरल पे जाके गिरा है पता है ना तुम्हें हाँ सर एक चंद्रयान ऐसा ही रहेगा सर मंगलयान किलोमीटर चंद्रयान जो भी था लास्ट 2 किलोमीटर ऐसे कुछ चलिए ये वाला करो इस रूल को जानते हो क्या है ये रूल कोसाइन रूल प्रूव करो चलो इसको सर वेक्टर्स भी कर
लानिश थ्योरम यूज कर सकते हैं इसके अंदर वो करना है मतलब ले वजह हम अरे पर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दो लाइन में हो जाएगा सर दो लाइन में हां दो लाइन सर मैंने कोऑर्डिनेट ही यूज किया मेरे को तो नहीं आया दो लाइन में अभी देखते हैं मैं करूं या आप लोग ट्राई कर रहे हैं सर करो 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 कर दो आप सर तो इसमें भी सर्कल बनाना है क्या इसमें क्यों सर्कल सर रिकॉर्डिंग चालू हो गई बताऊं देखो सर इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल से कर सकते जिससे करना है उससे करो यार कोई मेथड रॉन्ग नहीं है पर मैं कोऑर्डिनेट से कर लेगा ये ट्रायंगल है ये एंगल कुछ थीटा मान लेता हूँ ये वर्टेक्स ए है ये बी है ये सी है ये लेंथ बी है ये लेंथ सी है ये लेंथ ए है टू प्रूव ये है ये उसने मुझे पेपर पे लिख के भेज दिया cos theta is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc अब मैं इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल एंगल कुछ नहीं बना सकता इसको ट्विस्ट नहीं कर सकता अब मेरे हाथ में क्या है एक शस्त्र है बस कौन सा शस्त्र पेंसिल अब बताओ भैया ओरिजिन कहाँ लिया गया ए ए ए ए हाँ सर वो वाला बराबर है क्या बच्चों में सी के कोऑर्डिनेट वन ले लूं नहीं सर गलत हो जाएगा इस उसने लेंथ मेंशन कर दी है तो अब नहीं ले सकते अब आपको इसकी लेंथ इसको बी कॉमा जीरो ही लेना जब तक वो लेंथ नहीं देता है तब तक अपने घर की खेती होती है यस अब तो हम लोगों ने अपने हिसाब से ग्राफ बनाया ये किया पर आप देखो इसी पेज पे जैसे ही मैं बनाऊंगा ना तो मेरी वो एक्सिस का स्केल फिक्स हो चुका है अब मैं उसको चेंज नहीं कर या तो लेंथ ना दे तो उसे लेंथ दे दी तो उसकी बात माननी पड़ेगी फिर नहीं कर क्योंकि अगर आपने इसको वन मान लिया ना फिर ये सब लेंथ फिर चेंज होंगी स्केल के हिसाब से अपने आप चेंज होंगी ये एक्चुअली बेचारा 2 किलोमीटर होता 2 था पर आपने इसे 1 मान लिया तो ये भी ए नहीं रहेगा फिर ए बाई टू ये भी सी बाई टू सब उसके साथ डिस्टॉर्ट होगा वो बहुत दुखदाई काम है इससे अच्छा बी कॉमा जीरो ही ले लो वही बेटर या तो वो लेंथ ना दे तो हम लोग अपने आप बड़े मजे से 1.1 ले लेते हैं और खूब खेलते हैं उससे पर अगर उसने दे दिया तो उसकी माननी पड़ेगी कुछ मिड पॉइंट से खेलना है कि नहीं खेलना है अब मुझे बताओ ये लेंथ बी है ये लेंथ सी है हम इस लेंथ का यूज कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं इस लेंथ का यूज कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं तो कौन सी लेंथ का यूज नहीं किया ए से ए का यूज करूं इस लेंथ को इक्वेट करना होगा बीसी का लेंथ इज इक्वल टू ए तो बीसी का लेंथ इज इक्वल टू ए बीसी निकालने के लिए क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूं यस सर हां सर बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसे लिख दूं हां सर यस सर तो सी कॉस थीटा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी साइन थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यस और नो यस सर यस हां सर करो सिंपलीफाई यस सर करेक्ट आ गया क्या हां सर हो गया हां सर हो गया आ गया सर आ गया सर तुम्हें देख रहा है कितनी पावरफुल स्टेप में आ गया हाँ सर और सबको ये भी समझ में आ रहा होगा हमने ये टेक्निक अभी पूरी नहीं खत्म की है जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आगे
क्वेश्चन सीखेंगे और हर क्वेश्चन में लगाते चले जाएंगे धीरे धीरे, तो हम और स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे इसमें। अभी तो अनफॉर्चुनेटली मैं वही क्वेश्चन दे पा रहा हूँ जिसमें डिस्टेंस फॉर्मुला या सेक्शन फॉर्मुला या एरिया, अभी तक इक्वेशन ऑफ लाइन वो सब तो आया इन पिक्चर में ना। और जैसे जैसे मोर टूल्स आएंगे हम इसको यूज कर करके और शार्प होते जाएंगे। सर कोलिनियर और कॉन्करेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना कोऑर्डिनेट। हाँ उनका भी यूज करेंगे धीरे धीरे, अभी तक तो हम हमारा लेवल अभी बच्चों वाला है ना, अभी तो डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला और एरिया पे ही चल रही है गाड़ी। हाँ सर अभी तक पहुंचे ही नहीं वहां सर उन सब जगह पर। सबको समझ में आया आज क्या किया? यस सर। हां सर। यस सर। यस सर। छुट्टी एंजॉय सर। आप सर आप स्क्रीनशॉट तो भेजेंगे ना ग्रुप में? सर गुड नाइट सर। होमवर्क मिलेगा सर? स्क्रीनशॉट भेज दे। रिकॉर्डिंग भी भेज दो सर। होमवर्क सर।